2021 का पश्चिम बंगाल का चुनाव, सबकी निगाहें इस चुनाव पर और इस चुनाव का बुगल बच चुका है। इस वक्त जो पश्चिम बंगाल की सूरत हाल है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बनके उभरी है। ख़ास तौर पे 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सबको चौंकाते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीती है। और इस वक्त अमित शाह कुछ पिछले महीना आए थे कलकत्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2/3 बहुमत से बीजेपी आ रही है। और जिस तरह से टीएमसी के आए दिन कोई ना कोई बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि शायद पश्चिम बंगाल में कुछ तब्दीली की आहट है। इस वक्त हम हैं बीजेपी के स्टेट की युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट प्रियंका जी के साथ, और हम उनसे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मौजूदा सियासत के बारे में। कल टीएमसी के एक विधायक मिहिर गोस्वामी आपकी पार्टी में आए हैं, और शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर थे, कल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या लगता है इससे बंगाल की सियासत कहाँ जाती है? देखिए, अब ऐसा है कि टीएमसी जो कि यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, अगर उनके लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, या तो वह पार्टी में असंतुष्ट हैं, या जिस तरह का बिहेवियर पार्टी में उनके साथ किया जा रहा है उससे असंतुष्ट हैं, या पार्टी की जिस तरह की नीतियां हैं, हो सकता है वो करप्शन की नीति बोलिए या कट मनी की नीति बोलिए, इन सब चीज़ों में वो नहीं रह पा रहे, इसलिए शायद पार्टी को छोड़ रहे हैं, पद को छोड़ रहे हैं। वरना आज एक मंत्री अपना पद छोड़े वो इतनी आसान बात तो नहीं होती, वो भी जब सत्ता में है वो उसके बावजूद छोड़ रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी घटना है उसके पीछे। अभी आपने कहा कि टीएमसी पार्टी में बहुत सा करप्शन हो रहा है, आपकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, जो खुद रिश्वत लेते हुए कैमरा में पाए गए थे, देखे गए थे, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसका जो रिजल्ट है उसके बावजूद ही आप, उसके बाद ही आप कोई बयान दे सकते हैं। तो इसीलिए टीएमसी पार्टी के भी बहुत लोग हैं जो रिश्वत लेते हुए पाए गए थे कैमरा के ऊपर, मगर उस पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे, बिकॉज वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई कर रही है, सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, और जब उनका रिजल्ट आएगा तब हम उसके विषय में कुछ बात करेंगे। अभी आपने कहा कि टीएमसी के बहुत से लोग रिश्वत लेते हुए पाए गए, इसको लेकर आपकी पार्टी के नेता ने कहा था भाग मुकुल भाग, और वो इतना तेजी से भागे कि आपकी पार्टी में। मेरी बात पूरी तरह से सुनी नहीं आपने, मेरी बात पूरी तरह से ध्यान से शायद सुनी नहीं। मैंने अभी आपसे कहा कि उस चीज पर हम टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे, क्योंकि सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, और अगर ईडी और सीबीआई की जांच जो है उसमें अगर ये साबित होता है कि वो लोग दोषी थे तो दोषी थे। एक आरोप बार बार लग रहा है जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी लगाती है कि बीजेपी जांच एजेंसी को इस्तेमाल में ला रही है, और टीएमसी के जो नेता है, सांसद है, उनको हैरेस किया जा रहा है, क्या कहिए? ऐसा है, आप इस चीज को साबित करके दिखाइए ना, आप इस चीज को साबित करके दिखाइए कि बीजेपी जो है वो जांच एजेंसी को यूज कर रही है। अब यहाँ पे लाला अरेस्ट हो गया, जो लाला को अरेस्ट किया है तो वो कोई क्या बहुत क्लीन बैकग्राउंड के आदमी हैं? नहीं ना, उनके अगेंस्ट काफी सारे मामले हैं, उनके अगेंस्ट प्रूव हुआ, कुछ सबूत थे, उसके बेसिस पे सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया, थोड़ी ना बीजेपी ने वारंट भेजा उनको। तो इस तरह के इल्जाम जो आप लगा रहे हैं किसी के ऊपर, उसको साबित करके दिखाइए। भाई, हम तो साबित कर रहे हैं कि ममता बनर्जी यहाँ सरकार में बैठ करके पुलिस को चला रही है। पहले पुलिस का राजनीतिकरण हुआ था, अब अपराधीकरण पर उतर गई है पुलिस, यहां अपराधों में पुलिस शामिल है। एक आदमी की, टीएमसी के नेता की हत्या हो जाती है पुलिस स्टेशन के बाहर और पुलिस को कोई खबर नहीं, किस तरह से सिग्नल क्रॉस करके अपराधी भाग गए, क्यों किसी भी सिग्नल पे वो पकड़े नहीं गए, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 18 गोलियां चलाने के बावजूद। तो आप ये बताइए, मैं तो आपको सबूत दे रही हूं कि पुलिस का इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी, आप मुझे सबूत देकर के दिखाइए कि बीजेपी कैसे सीबीआई को और ईडी को इस्तेमाल कर रही है, मैं तो आपको सबूत देती हूं। आपके जो राज्य सभापति दिलीप घोष ने कुछ महीने पहले कहता है कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा उसका ऊपर से हम लोग छोटा कर देंगे, इस तरह का बयान को आप किस तरह देखेंगे? देखिए, सीधी सी बात है, हम भारत में रहते हैं और भारत माता की जय कहने में हमें कोई भी तरह की शर्मिंदगी नहीं है, हम पूरे दिल से अपने मन पर हाथ रख करके कहते हैं कि भारत माता की जय है, ठीक है। और किसका बयान है, उन्होंने किस तरह से इस बात को बोला है, वो बयान मैंने सुना नहीं है, तो वो किस तरह से क्या बात बोलना चाह रहे थे, इसीलिए मैं उसके ऊपर कुछ टिकना टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। अगर लोग भारत माता जय ना कह के हिंदुस्तान जिंदाबाद कहे तो बीजेपी को क्या आपत्ति? देखिए, बिल्कुल जिसके जो मर्जी आए कहे,
लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हम भारत में रहते हैं और हम भारत माता की जय कहेंगे, लेकिन अगर किसी को जो हिंदुस्तान कह सकता है उसको भारत बोलने में क्या आपत्ति है? तो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलता है। नहीं नहीं मैं तो यही कह रही हूँ कि हम तो हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने को तैयार हैं तो उनको भारत माता की जय कहने में क्या आपत्ति है? बीजेपी के शासन में ही मॉब लिंचिंग क्यों होता है, क्यों लोगों को मारा जाता है, क्या लगता है क्या कारण, मुख्य कारण? नहीं, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं है, ये आपकी क्वेश्चन ही गलत है। और दूसरी बात ये है, जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, नहीं नहीं मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं किसी एक जाति विशेष या किसी एक धर्म में विश्वास नहीं करती हूँ, ठीक है? मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म को मानती हूँ, लेकिन उतनी ही इज्जत जो है मैं एक मुस्लिम की भी करती हूँ, उसके धर्म की भी करती हूँ। और इसीलिए इस तरह की चीजें आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर मैं नहीं रखती। मैं सभी धर्मों को एक बराबर एक नजर से देखती हूँ। धर्म के नाम पे जय श्री राम नहीं बोलने पे कि लोगों को मारा जाता है? देखिए, आपने मुझे हमेशा बोलते सुना होगा, कई बार सुना होगा कि जय श्री राम, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह भी मुझे आता है, और जब दरकार पड़ती है तो मैं मस्जिदों में भी जाती हूँ। तो इस तरह से मैं किसी एक धर्म को लेकर के नहीं मानती, मैं सभी धर्मों में विश्वास रखती हूँ। चलिए कुछ सियासी बातें हो जाए। बिहार चुनाव हुआ, MIM को 5 सीटें मिली, असदुद्दीन अवैसी ने उसी दिन ऐलान किया हम पश्चिम बंगाल में आएंगे, आपके जो राज्य सभापति ने उनको वेलकम कहा, बीजेपी खुश क्यों है MIM के बंगाल में आने से? क्या मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा इसलिए? देखिए, हम हमेशा से डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अगर आज कोई एक पार्टी है जो देश में एग्जिस्ट करती है, तो उसका पूरा पूरा अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े, हम उसे थोड़ी ना रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते। वह अगर यहाँ आकर के लड़ना चाहें और उनको लगता है कि यहाँ के माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए वो कुछ करना चाहती है, और माइनॉरिटीज उनमें अगर विश्वास रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो आए, तो बिल्कुल आके लड़िए। हम थोड़ी किसी को रोक सकते हैं, या हमने कभी किसी को रोकने की कोशिश की है, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आपकी पार्टी का बी टीम कहा जाता है, क्या कहेंगे? भाई आप ए बोलिए, बी बोलिए, सी बोलिए, जो बोलना है बोलिए। सही बात तो ये है कि बिहार में हम चुनाव जीते हैं, हमने सरकार बनाई, बहुत सारे राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। अब इससे अगर किसी को तकलीफ होती है तो किसी को ए बनाइए, किसी को बी बनाइए, किसी को सी बनाइए, लेकिन यहाँ पर बाकी की जो टीमें हैं वो तो सब एक होकर के चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो टीम TMC हो, CPM हो या कांग्रेस। तो ये सवाल उनसे पूछिए ना, सब एक होकर के भी बीजेपी को नहीं रोक पा रही, बीजेपी की लहर को नहीं रोक पा रही। अभी आप लहर की बात बोलिए, अभी पश्चिम बंगाल में 3 बाई इलेक्शन हुआ असेंबली का, जहाँ आपके लोग, आपकी पार्टी के विधायक जीत के सांसद बने, तीनों ही सीट आप लोग हार गए, तो कैसे लहर आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल? देखिए, एक बाय इलेक्शन को जो है वो आप आने वाले जो इलेक्शन है उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में किस तरह से इलेक्शन होते हैं। तो इसीलिए कॉरपोरेशन के चुनाव हो या बाई इलेक्शन हो, उनको आप मतलब आने वाले असेंबली चुनाव से आप कंपेयर नहीं कर सकते। और अगर यही है और अगर हमारी हवा ही नहीं थी तो 18 सीटें आई कैसे, ये बताइए। लोग तो कहते हैं कि EVM का खेल भी, हमारे पास तो सिर्फ 2 सीटें, और अगर EVM का खेल होता तो हम बाई इलेक्शन नहीं जीत जाते। अमित शाह जी ने पिछले महीने कहा था कि 2/3 बहुमत से आएंगे, आपकी पार्टी का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री के लिए? भाई चेहरा तो हमारे पास बहुत सारी जगहों पर, जहां हमारी सरकार पहली बार बनी है वहां पर हमारे पास कहीं नहीं था, तो क्या हमने सरकार नहीं बनाई? जब हम सरकार बनाएंगे उस समय आपको चेहरा भी दिखा देंगे। क्या लगता है वाकई 2020 में मिशन सक्सेसफुल होगा आप लोग का पार्टी का? 2021 में हमारा मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा, और सत्ता में हम ही आएंगे, सरकार हम ही बनाएंगे, और वो भी जनता के मत से, जनता की चाहत की वजह से हम ये सरकार बनाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जनता है उन्होंने बहुत भोगा है, और अब इस जो टॉर्चर का जो है वो अंत आ गया है, तो उसको ये उनका विश्वास है कि उन्हें इन कठिन परिस्थितियों से, जिस तकलीफों से वो गुजर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही निकाल सकती है। पश्चिम बंगाल में 27% माइनॉरिटीज वोटर है, क्या लगता है कि ममता बनर्जी के शासन में माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट हुआ है कुछ? क्योंकि आपके पास आपके जो मोदी जी बार बार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वहाँ ऐसा हुआ है बंगाल में? मैं पहले तो सबसे पहले आपको ये बोल लूंगी कि ये जो सोच है 27% माइनॉरिटी, ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं तो उनको पश्चिम बंगाल की जनता समझती हूँ, आप लोग दो हिस्से में बांटना क्यों चाहते हैं? वोट परसेंटेज है, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है?
तो पहली बात तो ये, हमारे लिए वो पश्चिम बंगाल की जनता है, और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मुझे जनता पर विश्वास है, तो उन 27% की जिनकी आप बात कर रहे हैं उन पर भी मेरा उतना ही विश्वास है कि वे भी जो है डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे। और बाकी रही उनके लिए कुछ करने की बात, तो आज तक देखिए ममता बनर्जी को 9 साल, अभी 10वां साल ये चल रहा है, कंप्लीट हो जाएंगे, 27% जो है यहाँ पे रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स का, और कितनी परसेंट नौकरियां जो है माइनॉरिटीज को मिली हुई हैं, केवल 2%। और वही अगर आप गुजरात से कंपेयर करें तो गुजरात में जो है 15% में से 9% से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो माइनॉरिटीज़ को मिले हुए हैं। तो आप डेवलपमेंट देखिए कि बीजेपी के राज्य में माइनॉरिटी का डेवलपमेंट हुआ है या यहाँ अपीजमेंट जो ममता बनर्जी दिखाती है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के वोटों के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए सर पर चादर ढक लेने से किसी का जो ईमान है वो साफ और पाक नहीं हो जाता, पाक तब होते हैं जब नियत पाक हो, नियत साफ हो, और उनकी नियत जो है वो तो आज हर एक मुसलमान जो है वो समझ गया कि उनकी नियत क्या है। अभी आपने मुसलमानों की बात की, जब वोट आता है तो बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है? यूपी में 20% से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन यूपी में जब चुनाव होता है एक भी वोट नहीं मिलता है, एक भी सीट में मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं बनाया, ऐसा क्यों? देखिए ये आपकी जो सोच है, आपकी जो बात है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप तो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं। तो देखिए ऐसा है कि धर्म और जात देख करके हम टिकट नहीं बांटते हैं, ये काम TMC करती है, हम नहीं करते। हमारे यहाँ जो लीडर एस्टैब्लिश्ड होते हैं वो कैसे जुड़ेंगे, मेरी उनका उनका विश्वास कैसे, ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ी ना टिकट लेकर के कोई लीडर बनता है। आज मैं भाजपा की एक पोजीशन में हूँ, मुझे कितनी बार टिकट दिया पार्टी ने, तो ये गलत बात है। आपको अगर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी में भरोसा है और आप पार्टी के होकर के काम करिए, आपकी क्षमता देख करके पार्टी टिकट देती है, आपका धर्म देख करके नहीं। तो क्या लगता है कोई मुस्लिम अगर पश्चिम बंगाल में उसके अंदर जीतने की क्षमता है, आपकी पार्टी से बिलोंग करता है, उन्हें टिकट मिलेगा? देखिए मैं फिर आपको कह रही हूँ कि धर्म देख करके हमारी पार्टी टिकट नहीं देती, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या बंगाली हो या गुजराती हो या मारवाड़ी हो। अगर उसमें क्षमता है, लोग उनको लीडर मानते हैं, वो पार्टी की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करें, तो पार्टी बिल्कुल कंसिडर करेगी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये थी बीजेपी की स्टेट की युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट, जिनका साफ तौर पर कहना था कि पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और इनकी पार्टी 2021 के चुनाव में भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। बहरकैफ आने वाला इनका जो बात है वो क्या सच साबित होगा या फिर इनके बात में क्वेश्चन मार्क, ये तो वक्त ही बताएगा।